फ्रांस कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई शो आते हैं और कई शो आकर चले भी जाते हैं, लेकिन टॉपर शो की बात अलग ही रहती है। फिर वो बड़ा सफ़र भी करते हैं, उनके स्टोरी भी काफ़ी दमदार होती है। ऐसे में जो हैं कई शो स्टार प्लस के ऐसे हैं जो टॉप में बने रहते हैं। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ टॉप 3 शो की। सबसे पहले मैं बात करूंगी ये रिश्ता क्या कहलाता और अनुपमा का। इस गुरुवार आपको महासंगम देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो है अभीरा का दिखाएंगे कि अरमान से उसे प्यार होने लगा है, फीलिंग होने लगी है, और उसी फीलिंग को जो है वो इजहार करते हुए जो है सोचेगी, लेकिन किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी और वहाँ अरमान उसे बचाने के लिए जाएगा। इससे उसकी फीलिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उधर अनुपमा कंपटीशन दे रही है, जज की भी बोलती चुप कर रही है, जनता का भी प्यार पा रही है, वोटिंग में भी जनता उसको वोटिंग कर रही है। ऐसे में अनुपमा कंपटीशन तो जीतेगी, उन औरतों के लिए जिनकी वो एक कहते हैं कि ये हमारी शान है, शान पान ठान। ऐसे में जो है शो में एक दूसरे को कनेक्टेड करते हुए दिखाएंगे आपका ये रिश्ता और अनुपमा। दोनों ही राजन शाही के शो हैं, तो ऐसे में दोनों ही एक साथ आपको महासंगम पर नजर आएंगे। फिर बात करते हैं आपके जनक की। जनक इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि जनक की शादी तेजस से हो रही है। तेजस का पर्दाफाश हो गया है, चेहरे पे दिख गया है तेजस है। अब जो है जो जनक है वो कहाँ जाएगी? जनक क्या नई जर्नी जो शुरू करने वाली है, क्या एक नया हीरो आने वाला है जो जनक की ज़िंदगी बदल देगा, या फिर कुछ और होने वाला है? अब बात आती है कि टीआरपी में तीनों शो में से किसके टीआरपी बढ़ने के ज़्यादा उम्मीद है, किसके स्लॉट ज़्यादा निकल कर आई है मंडे की, मंडे एंड ट्यूसडे। अगर ये रिश्ता की बात करें तो 56 जो है स्लॉट आया है मंडे का, और आपका जो है ट्यूसडे का तो आ जाएगा ही। और बात करते हैं आपके अनुपमा का, तो अनुपमा का स्लॉट निकल कर आया 57। बात आती है आपके जनक की, तो जनक का स्लॉट जो निकल कर आया है, जिस हिसाब से उसकी स्टोरी चल रही है, जिस हिसाब से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में उसकी स्लॉट निकल कर आई है 57, वो भी अनुपमा के साथ ही खड़ा है। तो ऐसे में जो है मंडे की स्लॉट काफ़ी डाउन गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये स्लॉट निकल रही है तो उनकी टीआरपी पे गिरावट आएगी? भाई आईपीएल है, प्रोमो दिए जा रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है, सर्चिंग बढ़वाई जा रही है, स्टोरी चेंज की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में क्या इन शो का टॉप 5 में क्या पोजीशन होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।